जय हिंद। नमस्कार मेरे सैनियों, लाडलो लाडली, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो SSGD का फिजिकल देने जाने वाले हैं। स्पेशली जो बच्चे, मान के चलिए कि जिनका जो फिजिकल है 24 तारीख से आ सकता है, एक तो आपको फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरा आपको 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो किस प्रकार से करनी है, ये उन बच्चों के लिए जिनका टाइम मान लीजिए 26 मिनट आ रहा है, अभी 27 मिनट आ रहा है, 28 मिनट आ रहा है, 24 जो 5 किलोमीटर की रनिंग है उसमें, तो आपको किस प्रकार से वहां पर अपना जोश दिखा के रनिंग करनी है उसके बारे में भी। सबसे पहले हम बात कर लें कि जब आपका फिजिकल होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर चाहिए। देखिए, फिजिकल के लिए पिछली बार डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए थे फिजिकल के समय, मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार चेक नहीं किए थे तो पिछली बार केवल फोटो, तो पिछली बार चेक किए थे, एक तो फोटो वहां पर चाहिए होती है आपकी, 2 से 4 फोटो आप कम से कम लेके जाना। एक पिछली बार आधार कार्ड चेक किया था और एक एडमिट कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना। तो इस बार इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए जिस वैकेंसी में मैं लगा था, यानी इससे पिछली से पिछली वैकेंसी, उस समय फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था, तो उसमें फोटो, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, इसके अलावा चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट से आपका सर्टिफिकेट होता है वो, एक आपका डोमिसियल यानी जाति प्रमाण पत्र, सॉरी रेजिडेंसी प्रमाण पत्र या मूल निवास जिसको बोलते हैं डोमिसियल, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ये आपको चाहिए चाहिए, ये मेन डॉक्यूमेंट है, और 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन पिछली बार मेडिकल के समय DV हुआ था इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस समय, लेकिन फिर भी आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 4 फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, और डोमिसियल आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में वहां पर इनकी जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं कि आपको 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कैसे करनी। देखिए, 5 किलोमीटर की रनिंग हर जगह अलग अलग तरीके से कराई जाती है। कई ऐसे सेंटर है जहां पर क्या होता है लाटलो, वहां पर 2.5 किलोमीटर पर एक टोकन दिया जाता है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर, यानी 2.5 किलोमीटर आपको जाना और 2.5 किलोमीटर आना। कुछ ऐसे सेंटर है वहां पर सीधे 5 किलोमीटर पर ही यहां से रवानगी कर देते हैं और सीधा 5 किलोमीटर पर ही आपको पूछते हैं। कुछ ऐसे सेंटर है जहां पर 400 मीटर के राउंड भी लगाए जाते हैं, तो जहां पर 400 मीटर के राउंड लगाते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है यहां पर, ठीक है, मुश्किल यहां पर थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि 400 मीटर के राउंड में कई जगह 1700 मीटर का भी राउंड होता है, ठीक है, तो उसमें भी दौड़ाते हैं। ज्यादातर सेंटरों पर यह वाली रनिंग होती है 2.5 किलोमीटर, और ये आसान भी होती है, ये बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि इससे आपको पता रहता है कि आपको कितना जाना है, कितने का आप आ गए हैं। सीधा लंबे पॉइंट में क्या होता है, मानसिकता ये चलती है लॉन्ग रनिंग में, पता नहीं कहां पर एंड होगा, कहां पर एंड होगा, कहां पर एंड होगा। और 5 किलोमीटर की जो दूरी है ना, कम नहीं होती, काफी दूरी लगती है। जब बच्चा दौड़ने लगता है ना, तब उसको लगता है कि आसानी होगा, लेकिन काफी लंबी दूरी है, मैं आपको बता दूं 5 किलोमीटर, ऐसे मानसिकता बन जाती है रनिंग करते समय। अब आपको कैसे पार करनी है, देखिए लाडलो, अगर आपको 5 किलोमीटर लंबा एरिया भी मिले या 2.5 किलोमीटर, पहले बात करते हैं कि 2.5 किलोमीटर मिले तब क्या करना है, आपको ध्यान रखना। शुरुआत में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत धीरे दौड़ते हैं, वो सोचते हैं धीरे धीरे दौड़ेंगे फिर बाद में क्या करेंगे, टाइम कवर कर लेंगे। नहीं, कभी भी जब आप टेस्ट देने जाओ तो इतना धीरे भी ना दौड़ो कि आप पहले 2.5 किलोमीटर में 15-16 मिनट लगा दो। अगर आपने 15-16 मिनट लगा दिए, आपको वापस दूरी 2.5 किलोमीटर की जानी है, तो क्या आप इस 2.5 किलोमीटर में वापस 15-16 मिनट में कम समय कर दोगे? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में आप इतना समय नहीं गिरा पाओगे। तो आपको क्या करना है, पहले 2.5 किलोमीटर पूरे जोश के साथ जाना है, पूरे जोश के साथ, यानी ये जो 2.5 किलोमीटर की जो दूरी है ना, ये आपको 10 मिनट से 11 मिनट के अंदर क्लोज करनी है, पूरे जोश के साथ दौड़ना, ये मान के चलना है कि मुझे 2.5 किलोमीटर ही जाना है, 5 किलोमीटर दिमाग में लाना ही नहीं है। अगर आप 2.5 किलोमीटर चले गए 10 मिनट या 11 मिनट में, तो आपकी जो मानसिकता है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, और आप सोचोगे कि जब मैं 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर आ गया, अब तो मेरे पास में 14 मिनट है, आराम से चला जाऊंगा, पैदल चल चल के भी, और जा भी सकते हैं आराम से, बीच में रुक रुक के भी जा सकते हैं। लेकिन कब जा सकते हैं रुक रुक के, जब आपने पहला 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में टच किया, और ऐसा ही करना है। फिर क्या करना है, फिर आपको खरगोश वाली चाल पकड़ लेनी है, भले ही, यानी रुकना नहीं, बस दौड़ते रहना, तो आपको आराम से आप 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर आ जाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले खरगोश की तरह दौड़ते हैं, 2.5 किलोमीटर पर जाके वहां पूछा क्या टाइम हुआ, बोला 14 मिनट, वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज, 10 मिनट में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मैं जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि एनर्जी भी डाउन हो गई है शरीर की, मानसिकता भी पूरा नेगेटिव हो गया, मन भी होता है इकट्ठा होता है रनिंग करते समय, तो भाई
इसीलिए इससे बचना है आपको, यानी पहले जो 2.5 किलोमीटर की दूरी है उसको पूरे जोश के साथ और ये सोच के दौड़ना है कि 2.5 किलोमीटर ही कंप्लीट करनी है, उसके आगे की सोचनी नहीं है, उसके आगे की अपने आप हो जाएगी क्योंकि शरीर गर्म हो जाएगा। नौकरी भी तो आपको चाहिए ना, तो उसके जोश में अपने आप खिंच जाएगी। फिर पहले 2.5 किलोमीटर आपको अपनी तरफ से दम दिखाना, तो आप आराम से पा सकते हो। अब कई ऐसे सेंटर जहां पर आपको 5 किलोमीटर लगातार दौड़ना है, तो यहां पर भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि यहां 1 किलोमीटर हो गया है, यहां 2 किलोमीटर हो गया है, यहां 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपको ये करना है कि जब तक 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की दूरी नहीं हो तब तक बस दौड़ते रहना है, जितना हो सके उतना जोर से, यानी पहले 3 किलोमीटर तक आपको रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन में। अगर आपके पैर रुके तो इसका मतलब है कि आप ये रनिंग नहीं निकाल पाओगे। फर्स्ट 3 किलोमीटर में कभी भी आपको 5 किलोमीटर की रनिंग का टेस्ट है, तो 3 किलोमीटर तक कभी भी आपको कदम रोकने नहीं है और ना ही पानी पीना है। दूसरा, रनिंग करने से पहले आपको संतरा खा लेना है, जो संतरा है ना वो खा लेना रनिंग करने से पहले, उससे एक तो आपकी जीभ क्लीन रहेगी यानी लार नहीं बंधेगी, आपके छोटा मोटा दर्द नहीं होगा और पानी की भी पूर्ति हो जाएगी। एक इलेक्ट्रो का पैकेट आता है तो उस दिन वो इलेक्ट्रो पी सकते हो आप, उसे डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, रनिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रो करके आता है 18 रुपए का पैकेट, वो पी सकते हो। और 3 किलोमीटर की जो ये रनिंग है इसमें आपको ना तो पानी पीना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है दौड़ते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, अरे पानी पी पी के आप ज्यादा खराब कर लोगे। आपको जो भी कार्रवाई करनी है रनिंग करने से पहले करनी है, ना शरीर में ज्यादा खाना है और ना ही पूरा पेट को खाली रखना है। अगर आपने पूरा पेट खाली रखा ना साइड की कोलों में दर्द होने लग जाएगा, इसलिए हल्का फुल्का कुछ खा भी लेना, मान लो 1-2 बिस्किट खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, एप्पल मान लो सेम खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, उस टाइम रनिंग करने जाओ उस समय, तो थोड़ा बहुत पेट में सामान भी बनाना चाहिए, नहीं तो कोल में दर्द होना शुरू हो जाएगा साइड कोल में और फिर रनिंग नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत दाने होने चाहिए रनिंग से पहले भी शरीर में, ठीक है, ताकि आपको पानी प्यास व्यास की किसी की चीज की जरूरत ना पड़े रनिंग के दौरान। फिर देखो कैसे रनिंग पार करते हो आप, तो पहले तो एक बात याद रखना कि 3 किलोमीटर तक ना पानी पीना है ना ही कुछ पीना है, और पूरे जोश के साथ रनिंग करनी है कि या आज मैं दौड़ूंगा तो ही मेरी नौकरी लगेगी, मेरा सपना पूरा होगा, मेरे को वर्दी मिलेगी और मेरे को लेनी ही लेनी है। ये मानसिकता रखनी कि मेरे को तो लेनी ही लेनी है, छोड़नी नहीं है, समझ गए। इस हिसाब से दौड़ना, वहां जोश बढ़ाने वाले फौजी बहुत मिलेंगे, और जब जोश ना बढ़े ना एक बार उनकी वर्दी देख लेना, वर्दी में उनका जो चेहरा देख लेना कैसे खिला रहता है, अपने आप जोश आ जाएगा, ठीक है। खाना पीना मैंने बता दिया, आप संतरा खा सकते हो, अंगूर खा सकते हो, कोई फ्रूट खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, ये खाना जरूर है रनिंग करने से पहले, हल्का ज्यादा नहीं, ठीक है। पानी ज्यादा नहीं पिला, इलेक्ट्रो पी लेना ताकि पानी की नीड ज्यादा पड़ेगी नहीं, या वो इलेक्ट्रो 1 घंटे आधे घंटे पहले आप पी सकते हो, ठीक है, वो कोई नशीला पदार्थ नहीं है, नॉर्मल सी चीज अलाउ रहती है। उसके बाद में दौड़ना है, कोशिश तो यह करना कि 5 किलोमीटर तक अगर आप पानी नहीं पियो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि शरीर रहता गर्म, पानी रहता ठंडा, कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता, दर्द शुरू हो जाता है। तो दर्द नहीं कर लेना आपने, दौड़ना है जान फूंक के, इसलिए 5 किलोमीटर में से 2.5 किलोमीटर की जो रनिंग है, 2.5 से 3 किलोमीटर यहां तक पूरे जोश में जाना है, 2.5 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये दूरी कंप्लीट करनी है। अब जो 400 मीटर वाले हैं इनको तो राउंड कटाए जाएंगे, तो इसमें तो आपको सेम वही है, रुकना है ही नहीं, बस चलते रहना है चलते रहना। लेकिन 400 मीटर वाले बहुत कम है मेरे ख्याल से, समझ गए आजकल, अब लॉन्ग रनिंग ही कराएंगे आपसे, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में रख के फिर दौड़ना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा धीरे धीरे नहीं दौड़ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं धीरे धीरे शुरू करो, लेकिन इतना भी धीरे धीरे मत कर देना कि 15-16 मिनट लग जाए 2.5 किलोमीटर में, नहीं, 2.5 किलोमीटर पहले 2.5 किलोमीटर की टाइमिंग आपकी 10 मिनट ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 10 से 11 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी वहां से, और फिर आप आगे की जो रनिंग है वो आराम से जोश के साथ कंप्लीट कर दोगे। आप बस हिम्मत दिखाते रहना, जब तक गिर नहीं जाऊं तब तक दौड़ना है, कोई नहीं गिरेगा और आप अपने जो पॉइंट है वहां पर पहुंच जाओगे, पूरी हिम्मत दिखाना है। और अभी भी जब रनिंग करते हो ना उस समय लॉन्ग रनिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लॉन्ग रनिंग किस लिए करनी, अरे करनी है जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही, आप लॉन्ग रनिंग करिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25, ताकि आपका वजन कम हो और शरीर में थोड़ी सी जान आए, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। तो 20 किलोमीटर जो इंसान दौड़ सकता है 5 किलोमीटर यूं ही फूंक देगा वो, इसलिए करनी है रनिंग लॉन्ग। अभी भी समय है, अभी भी 10-15 दिन का समय है, लॉन्ग रनिंग करिए खींच के। जय हिंद, जय भारत।